नमस्कार, अभी हम इस वक्त खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और आज हम सोयाबीन की मंडी में आए हैं। और सोयाबीन की जो आवक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बम्पर आवक जो है वो लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में सोयाबीन की हो रही है। हमारे साथ सोयाबीन के किसान हैं जो अपने अपनी फसल लेकर के मंडी में आए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ दाम आज सोयाबीन के मिले हैं उनको। क्या नाम है आपका? भारत पटेल कहाँ से आए भारत जी? धनिया देवाल। आज क्या कुछ भाव हमको सोयाबीन के मिले? सोयाबीन का अपना बिका है 4400 और मध्य है बहुत। अच्छा, आज सबसे ज्यादा भाव कितना गया ऊपर में? ये 4450 तक। और नीचे में कितना रहा? नीचे 3900 3800। कौन सी किस्म की सोयाबीन लेकर के आए हैं? 95 लेकर आए। हमारे इंदौर जिले के आसपास कौन कौन सी किस्म की सोयाबीन होती है? 95 होती है और ब्लैक बोल्ड होती है, 1135 बहुत सारी होती है। कितने बीघा में हमने अबकी बार बोई थी सोयाबीन? बोई थी 15 बीघा में, 15 से 20 बीघा में। और उत्पादन हमको कितना मिला? 4-5 क्विंटल मिला। पिछले साल से अबकी बार फायदा कि नुकसान? अभी भाव में नुकसान है और बाकी तो जो सोयाबीन तो ठीक हुई और भाव में बहुत नुकसान है। आने वाले समय में कोई मतलब है संभावना भाव बढ़ने की? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसे पहले पिछले साल बेची थी उससे तो बहुत कम है। अलग अलग देशों में उत्पादन की भी बात हो रही है, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ, उसका कोई प्रभाव भारत पर पड़ेगा? अब क्या कर रहे थे आप? भाव तो है, उधर कम हुआ हमारे इधर हुआ, भाव कम है, क्या कर सकते? मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो सबसे ज्यादा होने वाली फसल है, मध्य प्रदेश से लगातार उत्पादन ज्यादा होता है, तो यही कारण है क्या कि मध्य प्रदेश में भाव कम है और दूसरे राज्यों में ज्यादा हो सकते हैं? अब वो कारण तो वही हो सकता है कि इसमें ज्यादा है थोड़ा, उधर कम है। अब देखो क्या होता है। और भी किसान है उनसे जानना चाहेंगे, आप कौन सी सोयाबीन लाए? लाया RVS 2024 सोयाबीन। क्या भाव है आज का? आज का भाव बिकी 4000 बिकी सोयाबीन तो, और लेकिन नीचे में बिक्री 3000 3500 4000 4400 लास्ट भाव। हमारे मंडी में कौन कौन सी किस्म की सोयाबीन आती है? आती 5-10 तरह की सोयाबीन आती है, लेकिन भाव रहे तो फायदा। इसमें क्या वही तेल निकलेगा इसका सोयाबीन का, तो 95-60 RVS 2024 बहुत तरह की सोयाबीन आती है मंडी में। कितने बीघा में हमने की सोयाबीन? हमने बोई थी 15 बीघा में। और उत्पादन कितना आया? उत्पादन तो 4-5 का हुआ, लेकिन पिछले साल की तुलना में भाव बहुत कम है इस साल। तो जितना हमने मतलब लागत थी उतना हमको मिल गया? नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि कटाई इतनी महंगी हो जाती है आजकल, क्या महंगाई बड़ा इतना बढ़ी है। और हमने जितने मतलब बीघा में फसल बोई थी तो उसके हिसाब से उत्पादन कितना मिला हमको? उसके हिसाब से उत्पादन तो हमको ठीक मिला है, लेकिन रेट में हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने मजदूरी इतनी दे दी है, जितनी निकली इतनी, तो मेरा गदाई माली चल रही है। अलग अलग देशों में भी सोयाबीन का उत्पादन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, तो उसका कोई फायदा हमको यहाँ पर मिलेगा? अभी तक तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है, अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। हम तो चाह रहे फायदा मिले, सरकार वादे करती है लेकिन पूरे हुए, धरातल पे तो काम चलता है। अच्छा, और भी किसान उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हेमंत जैन। कहाँ से लाए? माता बरूड़ी। कौन सी किस्म की सोयाबीन लाए? 95-60। कितने बीघा में हमने फसल बोई थी? 130 बीघा। और कितना उत्पादन कितना हुआ? 3-4 क्विंटल बीघा का। पिछले साल के मुकाबले अब की बार कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो आज आयात कर लिया, निर्यात रोक दिया है, तो इस कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि यहाँ ही है सब सोयाबीन, और फिर लाने से क्या मतलब है? फॉरेन से आप मंगा रहे हो जबकि अपने यहाँ उत्पादन है, तो किसान को कैसे लागत मूल्य मिल पाएगा? बड़ा नुकसान हो रहा है। जी कितने आई होगी सोयाबीन हमारे यहाँ? कितना ट्राली आए होंगे आज? मेरी 2 ट्राली आई है, वो सामने खड़ी। अच्छा, और ओवरऑल कितनी आई होगी मंडी में आज ट्रालियाँ? करीबन मेरे को तो लग रही है 100-101 ट्रालियाँ हैं। आज ऊपर में दाम कितना गया है? 4500 हाईएस्ट गया है। और नीचे में कितना गया? नीचे में तो 3500 से लेकर चालू हुआ है 4500 तक। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये सब किसान थे और अपने अपनी सोयाबीन की फसल जो है वो अलग अलग गाँव से लेकर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पहुंचे थे, जहां अब सोयाबीन की जो बोली है वो पूरी हो चुकी है। और इसके बाद कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि अब की बार भी जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर के लक्ष्मीबाई अनाज मंडी से नमन। क्या नाम है? राहुल अग्रवाल। व्यापारी हैं आप? हाँ। आज जो सोयाबीन आई है ऊपर में क्या भाव गया और नीचे में क्या भाव गया? ऊपर में 4530 रुपये बिका, 4520-4530 रुपये। और नीचे में? नीचे में 2000 से 2000-2500, जो भी मतलब मिट्टी के हिसाब से माल रहता है। कितने ट्राली माल आया होगा लगभग? आज कम से कम 2500 बोरी आएगी। कौन कौन सी किस्म का आया? सब अलग अलग किस्मों का है, अलग अलग रहता है। अलग अलग देशों में सोयाबीन का उत्पादन अब कम हुआ, तो उसका कोई फायदा यहाँ पर मिलने की उम्मीद है?
नहीं, अब की बार फॉरेन में उत्पादन अच्छा आएगा इंडिया के मुकाबले, इसलिए बाजार थोड़ा डाउन हो गया। आज भी बाजार डाउन है थोड़ा। पिछले साल के मुकाबले अब की बार बाजार में? बाजार पिछले साल के मुकाबले मध्य ही है मतलब। आपका नाम? राहुल लग रहा। क्या नाम है आपका? राहुल राठौर। राहुल जी, सोयाबीन लेकर के आए, कहाँ से लाए? बड़ा वांगड़। कौन सी किस्म की सोयाबीन है? RVS 2024 है। क्या भाव गया आज का? 3950। आज ऊपर में कितना गया है? ऊपर में मंडी में भी क्या 4450 लास्ट भाव। नीचे में 3500-3200 जैसा माल ऐसा भाव। कहाँ कहाँ से आया माल? हाँ, सब गाँव से आया। कितने ट्राली माल आया होगा? लगभग ये 50 ट्राली है। मालवा इंदौर के आसपास कौन कौन सी किस्म का सोयाबीन होता है? 95-60 ज्यादा होता है। अलग अलग देशों में आपकी बात सोयाबीन का उत्पादन कम रहा, तो कुछ भाव में फायदा होने की उम्मीद है? अरे कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं है, बोल घाटा हो गया बिल्कुल। जो 5000 बिक रही थी सोयाबीन, आज 4000 बिक रही है। पिछले साल से आपकी बार कोई फायदा नुकसान? बहुत घाटा है। पिछली बार 6500 बेची थी, 6000 बेची थी, आज 4000 बेच रहे सोयाबीन को। और किस लागत के अनुसार हमको दाम मिल रहे कि नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहे बिल्कुल, तो पानी के भाव में जारी। आपका नाम? राहुल राठौर। बड़ा बांग। पकड़ लूंगा। क्या नाम है आपका? पवन नागर। पवन जी, कहाँ से लेके आए सोयाबीन आज? मैं मुरखेड़ा से लेके आया हूँ। कौन सी किस्म की सोयाबीन है? 95-60। क्या भाव गया आज सोयाबीन? 4400। कितनी लागत आई और उसके हिसाब से दाम गया? क्या वाजिब दाम ही? सर दाम तो कम है, लागत ज्यादा हो गई है क्योंकि आजकल मजदूरी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लागत तो ज्यादा हो गई है। दवाई के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, उस हिसाब से रेट कम आया है। आने वाले दिनों में संभावना है सोयाबीन और बढ़ेगा? सर वो तो कुछ कह नहीं सकते अभी कि बढ़ेगा या घटेगा, कुछ घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। पिछले साल से कितना फायदा कितना? सर नुकसान है पिछले साल से। तो पिछले साल मौसम के कारण फसल खराब थी? नहीं, मौसम के कारण कुछ कुछ बारिश मतलब कहीं कहीं ज्यादा हुई थी, कहीं कहीं नहीं हुई थी, बीच में गैप हो गई, तो उस कारण से मतलब कहीं कहीं नुकसान हुआ है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उत्पादन हुआ सोयाबीन का। तो ये मंडी में कौन कौन से किस्म की आती है सोयाबीन? सोयाबीन सभी आती है सर, इसमें RVS आती है, 9305 आती है, और बाकी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। आज कितनी ट्राली माल आया होगा? सर आज कम से कम होगा सर 50 ट्राली के लगभग तो होगा। 50 ट्राली के? हाँ, छोटे वाहन है, बड़े वाहन है, सभी प्रकार के। इंदौर जिले के आसपास कौन सी किस्म की सोयाबीन ज्यादा होती है? सर इंदौर जिले के आसपास सब 9305 होती है, 95-60 होती है, और RVS होती है, ऐसी मतलब 7-8 वेरायटी है जो होती है। दूसरे देशों में आपके पास सोयाबीन का उत्पादन कम रहा, तो उसका कोई फायदा अपने को मिलेगा? नहीं सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो सरकार पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ से बाहर से तेल आयात करवा रहे हैं और सोयाबीन भी मंगवा रहे हैं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। या तो बाजार स्थिर रहेंगे या तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्या नाम है आपका? पवन नागर। कहाँ का है? मुरखेड़ा से। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर चौधरी। जुगल जी, कहाँ से लाए सोयाबीन? रेशम गेंद खजूरिया। क्या भाव बिका आज? 4405। मंडी में सबसे ज्यादा भाव कितना रहा ऊपर में? बस यही 4500। और नीचे में? नीचे में 3000। कितने ट्राली माल आया होगा आज? लगभग करीब होगी 200 ट्राली करीब। और कितने बीघा में हमने बोई थी सोयाबीन? ये सोयाबीन तो 15 बीघे की। उत्पादन कितना हुआ? वह 3-3.5 क्विंटल बीघेगा। मतलब लागत के अनुसार दाम मिले हमको लगता है? नहीं, इस साल तो बहुत घाटा गया। अलग अलग देशों में भी सोयाबीन की स्थिति कमजोर रही, तो उससे कोई फायदा होने की उम्मीद है क्या? कह नहीं सकते आगे क्या हो, भाव बढ़ने की संभावना है आने वाले समय? अभी कुछ भी नहीं कह सकते यार। पिछले साल आपके मुकाबले आपके पास कैसा रहा? 1500 रुपये क्विंटल का नुकसान है। 1500 रुपये क्विंटल? हाँ। और कौन कौन सी किस्म की सोयाबीन अपने यहाँ पर आती है मंडी में? बहुत सारी आती है, 95-60, 11-35 है, 20-98 है। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर चौधरी।